ब्राकुही 9,698 कितना झेलना पड़ा नहीं तुझे इसके लिए बहुत You can come and watch me drink my morning coffee. Hi guys, what's up? Welcome back to another episode of Hustle with Savi. You and I, we hustle together. Today is the 19th of April as I am filming this video, aga intro. And I know ke aap log jab ye vlog dekhoge to bahut future mein dekh rahe ho. So I am currently sitting with my laptop. Raat ke 3:30 to 3:45 ho raha hai to be precise. And I am booking flight tickets for a very special vacation. To mere parents ki anniversary aa rahi hai on the 13th of May. And I always like to give them something special ever since especially that I started earning and is bar I thought ke since you know restrictions have eased and everything has opened up instead of gifting them something materialistic which I know ke wo log itna enjoy nahi karte hain matlab ek do bar koi cheez pehnenge aur fir rakh denge especially mehngi cheez to wo log zyada nahi pehnte hain typical indian mentality ke wo acche occasion ke liye rakhenge aur acche occasions itne aate nahi hain what they truly truly enjoy and love is traveling my parents and my family in general all of us love traveling jab hum chote bhi the and we didn't have that much money and we barely could like survive we used to still travel like aise chote 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 trips karke humne pura india dekha hai and tabhi hum aise luxury hotels mein nahi ruk pate the to we used to only stay in like a star ekdam matlab raat guzarne type hotels mein bhi hum ruk ke पूरा इंडिया देखे इसी तरह वी ट्रैवल्ड अ लॉट एंड इंटरनेशनल ट्रिप्स भी किए जैसे जैसे लाइफस्टाइल अपग्रेड होती गई माशाल्लाह से हमने इंटरनेशनल ट्रिप्स भी किए बट पूरी लाइफ मेरे माँ बाप ने मुझे घुमाया है तो माय मॉम वाज सेइंग कैट लेटली आई डोंट नो उनको क्या है शी इज लाइक टर्की जाते एंड शी इज बीन सेइंग टर्की सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड शी वाज सेइंग कि जून 9 तक उनको काम है मतलब शी हैज हर वर्क सो आफ्टर जून 9th वील बुक अ ट्रिप सो दिस इज अ कॉन्वर्जेशन विच इज करंटली गोइंग ऑन इन माई हाउस कि हम जून 9th के बाद छुट्टी पे जाते हैं टर्की इज समथिंग माई पेरेंट्स डू वॉन्ट टू डू आई एम थिंकिंग एज अ सरप्राइज एलिमेंट आई विल बुक अनदर प्लेस दैट इज ऑन माई ड्रीम विश लिस्ट सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड एड दैट तो मैं अभी फ्लाइट टिकट्स कर रही हूँ आज मैं बहुत हफ्तों से ये इम्पल्सिव नहीं है बिल्कुल भी गाइज बिकॉज मैंने लास्ट टाइम जब उनको मतलब हम ट्रैवल किए थे एंड आई हैड डन ऑल द बुकिंग्स आई हैड मेड अ लॉट ऑफ इम्पल्सिव बुकिंग्स मैं जब से बिजी हो गई हूँ लाइफ में आई हैव बीन मेकिंग अ लॉट ऑफ इम्पल्सिव ट्रिप्स आई रियलाइज दैट तो ये वाला इंटरनेशनल है महंगा है काफी पैसे लगने वाले हैं काफी दिनों का भी ट्रिप होने वाला है तो आई एम नॉट टेकिंग एन इम्पल्सिव डिसीजन बट सब कुछ खुद से कर रही हूँ इसलिए आई एम स्टार्टिंग द प्रोसेस कि आप लोग देख सको हम कैसे बुक कर रहे हैं क्या कुछ मतलब इफ यू वॉन्ट टू बुक फॉर द फ्यूचर करंटली आई एम ऑन goibibo.com आई एम ऑल्सो ऑन yatra.com इतने दिनों से मैं बैठ के व्लॉग्स देख रही हूँ लोगों के आइटिनरीज देख रही हूँ आइटिनरीज पढ़ रही हूँ सब वेबसाइट्स पे प्लान्स देख रही हूँ टूर्स के और अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि क्या प्राइसिंग डिफरेंस है कितने कौन से दिन पे लोग क्या कवर करते हैं एंड फाइनली आई हैव मेड अ डिसीजन टू मेक आवर फर्स्ट फ्लाइट बुकिंग फ्रॉम मुंबई टू इस्तानबुल व्हाट आई एम बुकिंग राइट नाउ इज गल्फ एयर लेट मी शो यू तो आप देख सकते हैं कितने सारे मेरे टैब्स ओपन है टू डू माई रिसर्च और इतने दिनों से मैं वही कर रही हूँ सारे कोविड रिस्ट्रिक्शंस भी इधर मैंशनड है सो देर आर नॉट मेनी लाइक बेसिकली RT-PCR करवाना है एंड वैक्सीनेटेड होना है वो सब हम है माई फर्स्ट फ्लाइट आई एम टेकिंग गल्फ एयर इकोनॉमी 6:30 को बॉम्बे से निकलेगी एंड 3 hours 30 minutes में बाहर दो घंटे के ले ओवर के बाद इट विल बी इन इस्तानबुल विच आई थिंक मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस इट्स नॉन रिफंडेबल तो इतने दिन से मैंने बहुत सोचा है टोटल प्राइस फॉर 3 people इज कमिंग अप टू बी 81,000 सो दिस इज समथिंग दैट इज करंटली आई फील फीजेबल दिस इज ओनली अ वन वे जर्नी दिस इज नॉट राउंड ट्रिप पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइट की बुकिंग खुद से कर रही हूँ मतलब खुद की कमाई के बाद खुद के लिए भी कर रही हूँ और किसी और के लिए भी कर रही हूँ तो थोड़ी फट रही है बट बिस्मिल्ला बोल के मैं कर रही हूँ बुकिंग क्योंकि इंशाल्लाह बस सब अच्छे से जाए बिकॉज ऑनेस्टली आई लव ट्रैवलिंग एंड आई ऑलवेज हैव दिस ड्रीम दैट आई वॉन्ट टू जस्ट वॉन्ट टू ट्रैवल दैट वॉज माई ओनली गोल in life because I absolutely love exploring new places going to new places and that is a part of my life I have enjoyed bachpan se and 2021 mein jitne bhi maine travels diye na usme kuch na kuch gadbad hui hai har ek travel mein ladakh ho pondicherry ho jaisalmer kuch bada grahan jaisa laga hua hai to is saal ka first travel hone wala hai 2022 ka to I really hope ke ये साल के मेरे ट्रैवल्स में ग्रहण ना लगा हो और ये अच्छे से हो जाए इसलिए बहुत बहुत दुआएं मांग के मतलब आई एम बुकिंग दिस ट्रिप मेरी मॉम को ना ये सब ट्रैवल प्लानिंग करने बहुत मजा आती है इसलिए मैं सिर्फ फ्लाइट टिकट्स बुक करके दे रही हूँ ताकि ये रियल हो जाए आई थिंक अभी के लिए आई एम गोइंग टू बुक दिस
के बाद बोला है कि वो फ्री है तो 13 June sounds good to me because 9 June वाला it's a weekend so I think weekend की flights थोड़ी महंगी होगी. I'm also gonna try my credit card for the first time ever. I got a credit card by the way, did I tell you all? Because you all knew the time I was not getting a credit card. Oh my god, you guys, I cannot believe it. Our booking is confirmed. But ho gaya June 13th, 6:30. Inshallah, we'll be flying from Mumbai to Bahrain. All of us. Oh, mummy, the misses. I mean, miss dal diya. Lol. I don't think that should be a problem though. So I finally decided to not go through with the seat selection. So 10,000 baj gaye mere. Baad mein shayad agar lage ki humko karna hai seat selection, so later I think that option is there. So 83,000 is what I've paid with tax for the tickets. टिकट्स ऑलरेडी मेरे ईमेल पे आ चुकी है, सो आई एम जस्ट गोना चेक दैट. बट या मुंबई टू इस्तांबुल इज बुक्ड. व्हाट आई एम बुकिंग फॉर द फ्लाइट बैक, वेयर आई एम एडिंग अ ट्रिप, इज गोइंग टू बी अ सरप्राइज बोथ फॉर यू गाइस एंड माय पेरेंट्स. जब मैं मेरे पेरेंट्स के हाथ में टिकट दूंगी तब तुम देखना. 3 days later. मम्मी, दिस इज योर एनिवर्सरी गिफ्ट इन एडवांस. एनिवर्सरी दोनों की है तो इट इज इन एडवांस. And this is your birthday gift also. Hey, no, yaar, don't do that. I don't. No, want. This is. No, oh shit! Hi, so cool to Bahrain. And then. IST Istanbul. Oh, nice to Turkish. Oh. And then next page. What about the visa? That all we'll do now. Santorini. That is? Greece. Oh shit! Only I or you? Teen log ka naam likha hai mummy udhar. So that's its anniversary and birthday. No, haan, theek hai. Okay, anniversary ke se pehle di, but birthday ki date tumhari tabhi udhar aayegi. So apun birthday pe bhi. Thank you! Yeah, I love you! Not because you bought the ticket for me, okay? ऐसे कैसे चलेगा दीदी? Which day? So it's 13th June because तुम बोली 9 तक तुमको वो है और फिर it is coming back on 26th June. So it's a long holiday. Vacation? Yes, very long. First international trip after 3 years. Yay! अच्छा, I give you now कि अपन अभी शांति से. Your main gift is कि अभी तुम बैठ के इसको plan करो तो तुम busy हो जाओगी. So now we sit and plan the whole thing. How we want, very relaxing. Yes. No ghai gadbad. Yes. Yay. Yes. Thank you. You're welcome. You're welcome. You're welcome. So cute. So nice of you. Not cute, she's not small. गजब बेइज्जती है. One eternity later. अभी से एथेंस बची है, सब हो गया. मिकोनोस की तो मेल करने की है वो औरत को. और सैंटोरिनी हो गया. अबे ये और लोग ये वाला दे रहे थे अपने को टाइटेनिया. कौन सा? हाँ, ये है ना वो. नहीं, अब वी हैव टू टेक इट नेक्स्ट टू दिस एक्रोपोलिस. आई एम राइटिंग दैट. मरीना देख, मरीना होटल देख. व्हाट इज द दिस डेट ऑफ एथेंस? बार बार यही आज. व्हाट इज द डेट ऑफ एथेंस? इट्स एथेंस, एथेंस 18 to 21st. रिट्रीट में डालेंगे ज्यादा दिख रहा है. अगर बग नाही, मी बघितलेलं एक हॉटेल मस्त, एकदम मस्त ठणठणीत. ओ ब्राकुही 9,698. बिचारे, ऑल द ग्रीशियंस विल रन अवे फ्रॉम ग्रीस. आई डोंट नो, दे गो बॅक टू रोम ओनली आय थिंक. सी, दिस इज नाइस फॉर 30,000. विच वन इज दॅट? आय सेंड यू नो वन, दिस Duplex Green Coast. मैं और अनबट के एयरबीएनबीज भेजे, तुम लोग ने कुछ भी अप्रूव नहीं किए. 10,000 के दे उसे. किस चीज में? एथेंस. क्यों? तो वही है ना, इतनी मुश्किल से हम लोग ने कितने एयरबीएनबीज. तुम लोग बहुत कुछ मुश्किल से करते हैं बाबा. मम्मी सच्ची में एथेंस में अच्छे एयरबीएनबीज थे. ये तो अपने किचन की जैसा है. ये अपने फ्लैट पर तो डाल दिए लोगों ने. मोरक्कन दिस यार स्टाइल, जस्ट कीप क्वाइट. सी, दिस इज अ नाइस पिंक ब्लू कलर वॉल. Entire rental unit by this 22,000. This कर दूँ? ये तेरा पुराना फोटो कैसा आया इधर? Hosted by Giannis, what? ये कभी का फोटो इधर? वो मैं नहीं हूँ पापा, वो किसी ने रिव्यू रखा है. Okay, so this is the 2-bedroom apartment in Flascos. How far is your place from the ferry?
From the port, by car it's 3 minutes. By car it's 3 minutes. Okay. Yes. Okay. Fine. From the port. Yes. All right. So 210 euros is what I'm paying right now for one night, and I'll pay you the cash when I'm over there. In which currency would you prefer, euros or dollars? Yes. Thank you. Yes. Euros. Euros. Okay. Fine. Are you taking down the card details? Okay. And the name on the card? It's my full name, the one on the mail. Sarah Sarosh. Ah. Okay. Sarah Sarosh. Yes. Okay, Miss Anna, so when I make the transaction, I will send you an email. All right. Thank you so much. Thank you, Miss Anna. Thank you. See you soon, Rula. All right, Mykonos Airbnb done. So I saw this very beautiful place on Airbnb, and there was one of the review that said, "Ke don't book it via Airbnb, book it via their place. Personally, unko contact karke." And that's exactly what I've done. So mujhe 12,000 ka difference aa raha hai cost mein. The only thing is that ye non-refundable hai, aur Airbnb ke through I was getting refundable. Abhi the whole ball game depends on our visa. Inshallah, bas visa aa jaye, because वीजा के लिए हमने 9th मई को अप्लाई किया था, आज 27th मई है और अभी तक नामो निशान नहीं है वीजा का. इट टेक्स 15 वर्किंग डेज व्हिच गेट्स ओवर ऑन द 3rd ऑफ जून. सो आई एम रियली होपिंग दैट इट कम्स थ्रू बिकॉज आर टिकट्स एंड एवरीथिंग इज लाइक नॉन रिफंडेबल. सो इंशाल्लाह, प्लीज गॉड, आई हैव लाइक प्लान्ड दिस सो मच. दिस इज द फर्स्ट टाइम वेयर आई हैव नॉट बुक्ड एनीथिंग वाया लाइक एजेंट्स, और वी आर नॉट गोइंग वाया टूर्स एंड ट्रेवल्स और समथिंग लाइक दिस. मैंने पूरी बुकिंग हर एक चीज खुद से की है. लाइक आई हैव सैट एंड लुक थ्रू सो मेनी booking.coms एंड Airbnbs एंड होटल्स एंड वॉट नॉट टू गेट अ होल्ड ऑफ मतलब क्या करना चाहिए. एंड द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, हमने एक एजेंट से आइटिनरी बनवाई थी, बट बहुत ज्यादा महंगा, और मुझे इतनी खुशी नहीं मिल रही थी जो ऑप्शन दे वर ऑफरिंग. दे belly including anything in the itinerary and it was coming out to be 2 lakhs per head. And वैसे हम ऐसे भी करेंगे तो उतना ही खर्चा हो रहा है, but इसमें मुझे तसल्ली मिल रही है कि I'm seeing all the best of hotels, and then certain places हम compromise कर रहे हैं, थोड़ी सस्ती होटल ले रहे हैं, certain places we are going for luxury, like we are doing a balance of both, wherein we know कि internationally हम hotels इतनी मायने नहीं रखती है, because we will go and explore the place, and internal travel and all is more expensive, so we are here striking the perfect balance. तो इस बार मतलब मैंने बहुत सारे लिंक्स ढूंढ के, मम्मी ने बहुत सारे व्लॉग्स देख के, वी आर डूइंग दिस एंटायर बुकिंग खुद से, बहुत मजा आ रही है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस एंटायर प्लानिंग प्रोसेस इज अ लिटिल एंग्जायटी प्रोवोकिंग, बट बहुत ज्यादा मजा आ रही है. सो फ्लाइट्स आई शोड यू ऑल, आई बुक्ड वाया गो आईबीबो, एंड आई एम नथिंग इज स्पॉन्सर्ड बाय द वे इन दिस एंटायर वीडियो और एनीथिंग स्पॉन्सर्ड बाय मी, बट बॉय गो आई बीबो इज व्हाट आई ट्रस्ट फॉर माई फ्लाइट बुकिंग्स. उनके थोड़े बहुत कूपन्स होते हैं, HDFC के कार्ड पे थोड़ा डिस्काउंट था, तो आई बुक माई फ्लाइट्स वाया दैट. वी आर फ्लाइंग वाया कतर एयरवेज, we are flying via Gulf Air and we are coming back via Qatar Airways. So that is done. Then internally for bookings, everything, मैंने दो websites हमेशा check की है, is booking.com and Airbnb. I trust both of these websites with their bookings, their reviews specifically. कोई कोई जगह पे मैंने Airbnb opt किया है, if I'm getting a bigger house in a more prime location with good reviews, जिनके hosts अच्छे हैं और जो सस्ता. You will watch the vlogs as we go about, but you'll understand कि बहुत ज़्यादा price difference था, तो I preferred the Airbnb. Santorini में I've taken a hotel. Santorini की hotel सबसे ज़्यादा महंगी है. It's an insanely expensive city, town, whatever it is, madness, but it is that beautiful and precisely so. आप जाएंगे तब पता चलेगा किस बात का पैसा है, but बहुत ज्यादा, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि एक इंसान का खर्चा जितना पूरा सैंटोरिनी में चला गया है मेरा. बट अभी के लिए ना मैंने उसको ऐसे ब्लॉक किया है कि इट्स अ फुली रिफंडेबल दिस. आई हैव टेकन अ होटल इन अ बफर, दैट होटल वॉज ओनली ऑफरिंग मी द रिफंडेबल पॉलिसी, सो आई हैव ब्लॉक्ड इट एंड केप्ट कि अगर माई वीजा अला ना करे, डजंट कम, आई कैन गेट द रिफंड बैक, बिकॉज देयर आर अदर होटल्स दैट आई एम लाइकिंग मोर इन सैंटोरिनी, बट दे आर नॉट गिविंग मी द रिफंडेबल पॉलिसी. तो अगर ऐसा हुआ ना कि मेरा वीजा आ गया, तो मैं इसको कैंसिल करके इसको बुक कर दूंगी, तो मेरा पैसा इधर से वापस आ जाएगा, आई कैन बुक दिस विच इज चीपर एंड बेटर, एंड आई एम लाइकिंग दिस होटल. द ओनली थिंग इज दैट इट्स नॉट रिफंडेबल. तो अगर गया पैसा तो 1 लाख यू ही चला जाएगा, और अगर रहा तो फिर मिल जाएगा, यू नो. सो आई एम प्लेइंग इट दैट वे. इंटरनल फ्लाइट्स सारी कुछ एक एजेंट से किया था, सो द एजेंट दैट वी एक्चुअली ब्रॉट द आइटिनरी विथ, जिनसे मंगवाई थी, उन लोग से मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा था, बट इंटरनल फ्लाइट्स दे डिडंट गिव मी. टर्किश एयरलाइंस, एगियन एयरलाइंस, अंदर की ये सारी नॉन रिफंडेबल बुकिंग्स होती है इंटरनली, बट वो ज्यादा महंगी नहीं है, सबका मिला के आई थिंक 80,000 में हो गए सब तीनों जन का, सारी इंटरनल फ्लाइट्स बिटवीन टर्की एंड ग्रीस. एंड फॉर वीजा वी वेंट वाया देम ओनली, सो दे हैव हेल्प्ड
us get the visa, like do the full process. Visa ke liye jo hum gaye the, visa ab tak aaya nahi hai. Visa ka I think 36,000 ke aas pas kharcha hua. So it's definitely an expensive affair. It's the vacation of a lifetime for all of us. Internally jo karna hai ग्रीस में, देर आर फेरीज, तो मैंने फेरीज भी सारी बुक की है वाया फेरी स्कैनर डॉट कॉम. सारी वेबसाइट्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, तो यू विल गेट एन आइडिया. फेरी स्कैनर पे आप बुक एथेंस टू मिकोनोस, मिकोनोस टू सैंटोरिनी की फेरीज, एंड दे कॉस्टेड मी अबाउट 30,000 फॉर ऑल ऑफ अस. Yeah, ferries are cheaper. They are 4 hours, and I got the timings and everything properly. Okay, as I'm going about and actually traveling to the place, you'll understand if those experiences and those reviews were true, and if my review and experience is the same. Or फिर तब मैं वो particular experience का link भी आपको description में दे दूँगी. So if you're ever planning your Turkey and Greece trip, you will have help. But that is it. Today I'm starting on 27th May without a visa, with almost all my bookings done, my itinerary in place. I'm excited for this trip. Inshallah, बस हो जाए यार, visa आ जाए. वीजा आ जाएगा तो पहले एक बार लाइफ में मेरा शेंगेन वीजा कैंसिल हो चुका है, एंड रियली लगभग वापस नहीं. प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत दिल से मैंने ये ट्रिप प्लान किया है, बहुत मेहनत से मैंने ये पैसे कमाए हैं, प्लीज वेस्ट नहीं होने देना. ऑलराइट गाइस, अपडेट. वीजा का बहुत ज्यादा फाइट है, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है वीजा आने के लिए. 9th May को वी हैड अप्लाइड फॉर आर वीजा, एंड इट इज द 1st of June टूडे. 15 वर्किंग डेज लगते हैं आइडियली, एंड विद इन 15 वर्किंग डेज आ जाना चाहिए शेंगेन का वीजा, बट नहीं आया है बिल्कुल. कुछ अपडेट कुछ भी नहीं, उनकी वेबसाइट पे जस्ट कीप्स शोइंग अंडर प्रोसेसिंग इन कॉन्सुलेट एंड द जीवीसी पीपल थ्रू विच वी अप्लाइड. देयर इज नो लाइक कनेक्ट थ्रू देम. अब एम्बेसी में है तो उधर से ही बात करके कुछ करना पड़ेगा. तो या वी आर ट्राइंग एवरीथिंग नाउ. वी हैव टू ट्राई. आई हैव ड्रॉप्ड ईमेल्स टू द एम्बेसी, आई हैव ट्राइड कॉलिंग देम, नथिंग इज रियली वर्किंग आउट. फाइनली टुडे डैड एंड आई आर गोइंग. से हाय. Hi, I'm Charles. So we are going to the consulate, in honorary consulate in कहाँ पर है वो, वर्ली में. और देखते हैं, हम लोग भी कभी गए नहीं है और ये पहली बार हम भी ऐसे हाथ पैर मार रहे वीजा के लिए. हमने कभी ऐसा किया नहीं है. यूजुअली वी जस्ट अप्लाई एंड इट कम्स, बिकॉज वी रियली डोंट वॉन्ट टू कैंसिल आर टिकट. कैंसिल कर ही नहीं सकते एक्चुअली, हमारी नॉन रिफंडेबल टिकट्स है. तो अगर ये नहीं हुआ, अल्लाह ना करे, तो so that's why we are going and trying everything we can. Today is the 1st of June. Let's see what happens. बहुत पंगा है. उन लोग बोले कि दिस इज नॉट अ ग्रीस कॉन्सुलेट फॉर इंडियन सिटीजन्स हु आर गोइंग टू ग्रीस, दिस इज फॉर द ग्रीस पीपल, ग्रीक पीपल हु स्टे इन इंडिया. उनको कुछ तकलीफ हो, उनका पासपोर्ट चोरी वोरी हो जाए, तो उनके लिए है ये कॉन्सुलेट. और ये भी अभी 1st May से ही शुरू हुआ है, और बोल रही है पोस्ट कोविड शेंगेन वीजा का पूरा प्रोसेस बहुत ज्यादा डिलेड है. सिर्फ ग्रीस का नहीं, सारी कंट्रीज का बहुत डिलेड है. क्योंकि जो दिन के 2 वीजा एप्लीकेशन आते थे वहाँ 500-500 आ रहे हैं, और लोगों की शादियां वादियां भी उन लोगों को कैंसिल करानी पड़ी. आप सोचो कि ग्रीस में कोई शादी कर रहा है और उसको कैंसिल करना पड़े. मतलब आप ही नहीं, दिन के 2-3 लोग आते हैं इधर, बट इधर का नहीं है, लोगों को पता नहीं, अवेयरनेस नहीं है. सो बेसिकली दिस जुहू, दिस वर्ली प्लेस दैट वी केम, इट्स एन ऑनररी जनरल कॉन्सुलेट फॉर ग्रीस, बट इट इज नॉट फॉर इंडियन सिटीजन, टूरिस्ट. इट्स नॉट फॉर टूरिस्ट बेसिकली. इट्स नॉट, दे डोंट हैव द, शी सेड के हमने उसकी एक रिलेटिव का भी वो ट्राई करी थी, बट इट डजेंट हैपन. दे डोंट हैव द ज्यूरिसडिक्शन टू डू एनीथिंग विद द एम्बेसी. लाइक जो होगा वो दिल्ली में ही होगा, जिस हमारा इधर नहीं, दिल्ली में ही है. मैंने उन लोगों को पूछा कि अगर दिल्ली जाऊंगी तो गारंटी है क्या मिलेगा वीजा. बोली मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती हूँ यहाँ से, बिकॉज सिर्फ आपका ही नहीं, बहुत लोगों के वीजा अटके पड़े हैं. और अभी आप शेंगेन अप्लाई करो, यूएस अप्लाई करो, कुछ भी अप्लाई करो, पोस्ट कोविड सब बदल गया. इवन शी वाज सेइंग इन द कॉन्सुलेट देयर इज नो स्टाफ. 1st May से ही कॉन्सुलेट भी खुला है. पोस्ट कोविड एवरीथिंग इज लाइक शट. She's like, लोगों की आज फ्लाइट होती है, कल फ्लाइट होती है, और वो लोग आते हैं. और एम्बेसी में देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से सब कुछ ही स्लो चल रहा है. तो अभी कुछ नहीं कर सकते. नो नीड टू गो टू दिल्ली आल्सो. नो, शी इज सेइंग आई एम नॉट गिविंग गारंटी, क्योंकि आप खर्चा करो और आप जब मैं मारूंगी 10-15 हज़ार खर्चा करके मैं चली जाऊंगी. पापा एक साथ 3 लाख का मेरा फटका. नहीं नहीं, तेरा नहीं होगा बेटा, मैं दूंगा. नहीं मतलब मैं इन जनरल बोल रही हूँ तुमको कि पैसा पैसा होता है ना. दिल्ली जाने का 15 हज़ार और कहाँ उतना लॉस. कल ही चली जाती हूँ. कल ही चली जा, आज रात को अभी थोड़े सो जाना तो थोड़ा नींद मिल जाएगी, और सुबह 11-11:30 बजे तक तो एम्बेसी पहुंच जाएगा. मैं अभी इंडिगो में कॉल करके वो कर लेती हूँ, बुक कर ले.
Early the next morning. All right, guys, I'm in Delhi. I'm going to the embassy. This is the extreme of anything I must have ever done to take a trip. It's like I'm trying all my shots away. I don't have an appointment. I know the embassy does not entertain you without an appointment. I know it's going to be a cold try. But for me, it's 15K against 3 lakhs. It's the honest intention with which I've gifted this trip to my parents. And I really want to try everything in my capacity to get my visa. Because meri galti nahi hai ke wo log slow chal rahe hai. So I'm going to try at least give it my everything. Agar nahi hua fir, uske baad agar maine sab try kar liya fir bhi nahi hua to kismat mein hi nahi karke main chhod dungi. But try kiye bina mujhe nahi chhodna tha, so I've come to Delhi. Let's see how this goes. I've never been to an embassy. I am so anxious right now. It's not even funny. I'm very, very anxious because I've never done something like this before. Come somewhere of government authority without an appointment. Why would I do that? It's a desperate plea. कुछ है अपडेट? कितने दिन से रुके हैं आप लोग? We applied on 28th of April. We applied on 20th of April. And when are you all flying? 17th of June. Okay. Yeah, they are not entertaining. Oh my God! And you haven't got the visa yet. अरे यार क्या दो महीने लगेंगे क्या प्रोसेस होने में? आप लोग कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं? दिल्ली से. हम तो मुंबई से आए. बात नहीं करते मैम, जो आपका था मैंने आपकी. आप एक बार हमारा एप्लीकेशन, मुझे एक बार वो मैम से बात कर लीजिए, मुझे चांस नहीं मिला. ही सिंह 15-16 आपका ट्रैवल डेट है, 10-12 तक आपको वीजा आ जाएगा. अभी सुबह वो 8 बोल रहा था. अर्लियर कब था वैसे? कब? 13 है. 13 ही लिखा है. 13 ही है. बट ही इज तो फॉरगेटिंग नहीं. अभी सुबह वो बोला 8, अभी वो बोल रहा है 10-12 तक आएगा. तो इस पे कैसे भरोसा कर सकते हैं आप? विल गेट इट. वेट वेट नाउ यू फाइट. चलो हो गया आपका भी है? नहीं, आप ट्राई कर लो. चलो आप कर लो, आपका आता है तो फिर आप मेरे को ये बताइए भैया जी, आप उनसे ये पता कर सकते हैं कि अगर अप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैं कैसे आगे करा लूं? आई एम जस्ट सिक्योरिटी गार्ड, सारी अपडेट मुझे नहीं. मैं वही कह रहा हूं, वीजा सच गया तो आप मेरे को अंदर. देखो आप यहां पे आए, आप सुनिए, आप यहां पे आए, एप्लीकेशन मैंने उनको बताया कि सर इतना इनका ट्रैवल डेट है, इतनी तारीख को इन्होंने सबमिशन करवाई है, दिल्ली से ही जाएंगे, कहाँ से ट्रैवल है, सारा कुछ मैंने इनको बताया. ठीक है, उन्होंने मेरे को बोला कि 13-14 बहुत लंबी पड़ी है, इनको बोलो कि 12 या 13 तारीख से या जिस दिन का ट्रैवल है उसके 2 या 3 दिन पहले इश्यू होता है. देयर इज एब्सोल्युटली नो कॉन्टैक्ट, नथिंग, नो ईमेल, नो कॉल, वर्किंग डेज आर ओवर, एवरीथिंग इज ओवर. दिस इज अ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड. इंसान के लाख लाख रुपए लगे हुए होते हैं यार, और वो सिर्फ जुआ खेल रहे हैं यहाँ पे. और रिफंडेबल पोर्शन भी चला जाएगा ट्रिप का. आप तो दिल्ली से हो, हम तो मुंबई से आए, सुबह से रखड़ रहे और कुछ नहीं कर रहे. ये लोग बोल रहे हैं कि 2 हफ्ते में आइए, और इसके पहले उनका आज सुबह आपने 9 बजे का नहीं देखा सिचुएशन. हम 9 बजे आए थे, सब लोग स्टूडेंट्स वर ट्रैवलिंग एंड लीविंग टुडे आल्सो हैव नॉट गॉटन द वीजा. सो व्हाट इज द गारंटी दैट आई गो बैक टू बॉम्बे एंड होगा? आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स. इज दैट इतने वीजा चार्जेस लेते हैं उसके बाद में? या तो आप एप्लीकेशन मत लो, ठीक है? आई डू नॉट हैव द कैपेसिटी. तो आप तो कर रहे हो. ऑल द बेस्ट टू यू सारा, होप यू विल गेट योर वीजा सून. आई रियली होप सो टू. आई एम एक्सपेक्टिंग योर मिकीनोस video. Yes. Very soon. Later that same evening. Oh my God, we got it. Oh my God. Are you coming? थैंक यू सो मच. ओके 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 ओके, ठीक है. मैं काउंटर पे जाके अपनी फ्लाइट चेंज करा रही हूँ इंडिगो की. यू गाइज आर नॉट गोइंग टू बिलीव, आई एम सिटिंग एट द दिल्ली डोमेस्टिक एयरपोर्ट. मेरे गेट के सामने मेरा गेट का बोर्डिंग हो चुका है. ये मेरी फ्लाइट है जो मैं खुशी खुशी छोड़ रही हूँ, खुशी खुशी छोड़ रही हूँ, बिकॉज द वर्क दैट आई केम टू डू हैज हैपेंड. आई कैन नॉट बिलीव इट यू गाइज. मैंने इतना बड़ा चांस लिया है ना आज दिल्ली आके, मतलब इट वॉज लाइक अ कोल्ड मेल. मैं बोल सकती हूँ जो लोग इतने महीनों से ये चीज़ के लिए रुके उनको भी नहीं हो रहा है, और आज मैं आई. I've prayed to all the gods. I'm telling you now, when in life your intention is good, good things will happen to you. If your intention is good, good things will happen to you. Right now, as I'm sitting here, मेरा काम हो चुका है वहाँ पे, और मैं वापस जा रही हूँ वो काम complete करके. ठंडी हूँ, like I'm literally cold, ice cold. But my job is done. Oh my God, I cannot believe my job is done. I can't believe. Thank you, Allah Pak. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oh my God. Niyat achhi ho na guys.
नियत अच्छी होनी चाहिए जिंदगी में, नियत अच्छी होनी चाहिए. हेलो फ्रॉम एडिटिंग सारा हु इज एक्चुअली सिटिंग इन ग्रीस एंड एडिटिंग दिस वीडियो. कैन वी जस्ट हैव स्लो क्लैप्स फॉर दैट प्लीज, बिकॉज वी फाइनली मेड इट. बट मुझे रियलाइज हो रहा है कि बीच का आप लोग समझोगे नहीं कि यहाँ पे क्या हुआ. दैट पर्सन यू सी इन द ब्लू शॉर्ट जिससे मैं वीडियो कॉल पर बात कर रही हूँ और जो एम्बेसी पे भी थे, उनको मैं पहले कभी नहीं जानती थी. आई हैव नेवर मेट हिम बिफोर. मैं उसी सुबह उनसे मिली एट द एम्बेसी ऑफ ग्रीस और वो मेरी तरह सुबह मुंबई टू दिल्ली फ्लाइट पकड़ के आए थे जस्ट फॉर हिज वीजा. सो द सेम थिंग, वी वर बोथ सेलिंग इन द सेम बोट एंड ही वॉन्टेड हिज पासपोर्ट दैट वेरी नाइट बिकॉज उनको अगले दिन निकलना था दुबई के लिए. तो he needed his passport back and while he submitted his visa application for Greece he had put his Dubai wala tickets also but फिर भी नहीं मिल रहा था उनको. तो उन्होंने बहुत कन्विंस किया, मतलब हम दोनों ने बहुत सब कुछ ट्राई किया था. सब लोग सभी ट्राई कर रहे थे जो उधर एम्बेसी पे आ रहे थे, एप्लीकेशन लिख के दे रहे थे टू एस्केलेटेड. हम गार्ड से बात कर रहे थे. हमने जब एम्बेसी की रिप्रेजेंटेटिव एंटर की थी तभी उनको भी कन्विंस करने की कोशिश की, बहुत सारी चीजें ट्राई की थी. बट गार्ड्स गेव अस नो गारंटी, वर लाइक कि एक दो दिन पहले आना, एक दो दिन. मुझे तो बोला था एक दो दिन पहले आना और मैं 2 तारीख को गई थी और मेरी फ्लाइट थी 13 तारीख को ग्रीस की. तो वो देवर लाइक कि 8-9 तारीख को तब मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा. तो मैं तो चुपचाप एयरपोर्ट आ गई वापस मुंबई आने के लिए बिकॉज आई डिडंट वांट टू मिस माय फ्लाइट. बट ही टुक अ चांस एंड ही वेंट टू जीवीसी. नाउ जीवीसी इज अ डिफरेंट लोकेशन, एम्बेसी इज अ डिफरेंट लोकेशन. जीवीसी इज द वीजा फैसिलिटेशन सेंटर. जो लोग को पासपोर्ट मिलते एक बार वीजा लग जाता है एम्बेसी से तो वो सब पासपोर्ट भेजते हैं जीवीसी को और फिर जीवीसी हमको कुरियर करता है मुंबई में या डिस्ट्रीब्यूट करता है या जो भी करता है. सो ही टुक हिज चांस, ही वॉज मिसिंग, ही वॉज गोइंग टू बोर्ड द सेम फ्लाइट एज मी बट ही डिसाइड टू मिस इट एंड ही वेंट टू जीवीसी. रात को 9 बजे जीवीसी पासपोर्ट की थैली लेके आके पासपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है अपेरेंटली. अब मैं तो गई नहीं तो मुझे नहीं मालूम. और तभी जब उन्होंने अपना पूछा तो उनको मिल गया एंड देन ही कॉल्ड मी एंड ही वीडियो कॉल्ड मी एंड ही शोड मी हिज and I was in the boarding line ready to board my Mumbai flight and he showed me his passport and his Greece visa envelope and I was like what the hell and I was like please can you check mine also and he went back inside to check mine and then the rest is history. My little angel is sitting here with my documents. Oh my god, I can't believe you got it. Thank you. तेरा काम मेरे हाथ से होना था सुबह से. आप मतलब ऐसा एंजल ही बन के आए थे, मैं बोल रही हूँ. Oh my god, thank you so much. I can't believe it. I can't. Something just worked, na bro. Just something. It's all just because of energies. Nothing else. Energies. There's a lot of people waiting out there. Huh? They were crying. They're looking at you like this. You came today morning and you got your visa. Exactly. Fucking nuts or something. And they were like crying since last 4 days. And I would have gone. मतलब when you video called me ना, I was in the line. तो I was like ठीक है मैं boarding line में आ जाती हूँ फिर I'll take your call. Why would I? ये मस्ती नहीं यार. This is your emotions are. I thought GVC में नहीं हुआ. बता ना मैं GVC का भूल ही गई थी actually. मैं भूल ही गई कि you had gone. I thought you're coming here. Or taking the. अरे let's just give it a shot. करना है तो पूरा करना. I always tell you know. Give 100%. I can't. Let it happen. Yeah, I can't. This is your first visa. This is my first Schengen visa. This is my first Schengen visa. Oh my god, अभी कितने पापड़ मिलने पड़े लेने के लिए. कितना झेलना पड़ा नहीं तुझे इसके लिए? बहुत. मुझे किसको झेलना पड़ा नहीं सुबह से? ये थोड़ा ये रिकॉर्ड करना अच्छा. मुझे आपको झेलना पड़ा, आपको मुझे नहीं झेलना पड़ा. मैं ऐसी डिफिकल्ट इंसान नहीं हूँ. Bombay and पता भी नहीं चलता कि आ चुका है. पता है जीवीसी में लाइक लोगों के कितने कितने दिनों के अटके. आज हम कैसे कैसे लोगों को मिले हैं जिनका 6 तारीख मंडे का फ्लाइट है, अभी वीकेंड पे एम्बेसी बंद होने वाली है और उनको नहीं मिला है वीजा. लिटरली कूडोस टू यू मैन. लाइक कूडोस, लाइक ही वाज रेडी टू लूज हिज मुंबई फ्लाइट एंड गो. माय पेरेंट्स का, इट्स माय पेरेंट्स सेकंड वीजा. दिस इज हाउ द परसिस्टेंस जस्ट वर्क्स. इट जस्ट फ्रिकिंग व्हाट आई स्पोक टू यू इट वर्क्ड. ऑफ कोर्स If I wouldn't have gone today, we also would have been sitting at home only till now, waiting for our visa.
Oh shit, I'm coming. 4 o'clock, I'll meet you all. Thank your friend so much. Yeah, I am. Thank you, uncle. It's really a pleasure to meet your daughter. She is really wonderful. She's worked very hard for this visa, you know. I've seen that. And today, while she was asking for the visa to security guard, the few people came in. Ma'am, can I have your autograph? Epilogue. Finally, it is the 12th of June. Tomorrow is 13th of June. Hum nikal rahe. Itna kuch ho chuka hai is trip ki planning mein. Matlab, I can't believe how much has gone into my first European vacation. Matlab, embassy tak gayi hu visa lene. Sab kuch karke, we've got it. We are here. I'm flying tomorrow. We have our visas, mashallah. After I got the Greece visa and came home, Turkey visa just takes one day to come. It's an e-visa. So, agar aapke paas Schengen, UK ya US ka visa hota hai aapke passport pe, to aapko Turkey visa ek din mein mil jata hai, e-visa, and we already have that. Now, we've of course applied for it. Uska kuch alag 13,500 hua for 3 people. Wo agent ke through hi karwaya humne. And Fajju Sabrina ke saath rehne wala idhar. Bichari Sabrina bolu ke bichara Faj bolu? सबरीना दो बच्चों के साथ फंस गई, ईशान और फज के बीच में, और फज्जू ईशान और सबरीना के बीच में, और ईशान तो तुम लोग दोनों को हैरान कर देगा. एनीवे, आई होप यू गाइस एंजॉयड. इफ यू डिड, यू विल नॉट बी सीइंग दिस फेस टिल लाइक व्हाट, अनदर 12 डेज. बस ये लास्ट छुट्टी है मम्मा की, प्रॉमिस. मम्मा सारा सेविंग्स इसमें लगा चुकी है. ही इज नॉट बाइंग माय एक्सक्यूजेस ओनली. इसके बाद मम्मा के पास पैसा नहीं है छुट्टी पे जाने. ओके, आई विल सिट विद यू एट होम. And we'll eat ghar ka khana. We'll not go to restaurant also. That's a lie, huh? That's a lie. Zyada ho gaya, zyada ho gaya. Love you, no. I love you, no. Alrighty guys, if you like this video, don't forget to give a big thumbs up. For today's video, the Sara Squad shout out goes to Yadna Pawar. Thank you so much for watching and supporting my channel. If you want to be a part of next video's Sara Squad shout out, you know what to do. Hit that subscribe button, bell icon, right next to it, and also leave a comment down below saying hashtag Sara Squad. And if you chance to be a part of my next video, Sara Squad shout out. I will see you guys very soon in another video. Bye guys, love you. Mwah.